राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी मुख्यालय में महिला कानून जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी उसको लेकर बैठक की। इस बैठक में भाजपा सांसद कौशल किशोर, मेयर प्रमिला पांड्या, राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद सांसद कौशल किशोर ने कहा कि इस बैठक में बहुजन वर्ग के हितों के विषय में चर्चा की गई। वहीं मेयर प्रमिला पांडे ने कहा कि विपक्ष बाहर से कहता है कि बीजेपी जाने वाली है, लेकिन ये महिला आरक्षण कानून बताता है कि महिला और जनता भाजपा के साथ है। इस दौरान राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए चर्चा हुई है। वहीं मंत्री गुलाब देवी ने इस बैठक को भाजपा संगठन की बैठक बताया और कहा जैसा संगठन चाहेगा वैसा ही काम होगा। ये संगठन का मामला है और संगठन जैसे चाहेगा उस हिसाब से हमें काम करना है। सोच तो क्या क्या देंगे जो बात मंत्री कह रहे हैं, ये जो विवादित बयान दिया है, मैंने बता दिया ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देगी दिन जैसी। महिलाओं के प्रति उनकी इस प्रकार की धारणा है उसको उन्होंने उजागर किया, इस संबंध में क्या कहना। उन्होंने कहा सबने कहा था इनकी बात महिलाएं कुछ नहीं मानती, अब इनकी नैया डूब गई है, ये अब जाने वाले हैं। तो अब हम तो ये कहेंगे मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी ने 27 साल पुराना जो आरक्षण था उन्होंने किया महिलाओं के लिए। आज इस देश की 50% जो आबादी है मोदी जी की हमेशा ऋणी रहेगी। ऐसे लोगों के बारे में जरा मेरा बात करने का तरीका अलग है। अगर वो वहाँ से कह रहे अगर उत्तर प्रदेश में आके कहेंगे तो सारे उनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो बहनों को 33% आरक्षण की व्यवस्था संविधान में, विधानमंडल में, संसदों में की है उसके लिए अभिनंदन मोदी जी, हम सब लोग कर रहे हैं, हमारी बहनें कर रही हैं, महिला मोर्चे की आज बैठक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की आबादी के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सोचिए 27 साल से लंबे तीव्र गति से मांगी जा रही मांग को उन्होंने पूरा किया। कितनी बार सदन में लाया गिरा, 2010 में पारित हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं लाई कांग्रेस पार्टी क्योंकि उनको डर था कि उनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन मोदी जी ने देश से उस बिल को पेश किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोगों की बैठक थी और उसमें लोगों से राय मशविरा मांगी गई है। डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का काम योगी जी की, मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और RSS कर रही है और इसलिए लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों को मिला।